दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी इंटरनेशनल स्कूल पुरानी पुलिस लाइन आरा के रामापुर संघीय के बच्चों को विद्यालय के निदेशक अंकुर आनंद वर्मा ने एजुकेशनल टूर कराया। एजुकेशनल टूर में बच्चों को ने साइंस सेंटर में आविष्कार तथा वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार किए हुए प्रणालियों को दिखाया गया। साइंस सेंटर में कई तरह के उपकरण लगे हुए थे जिन्हें डीपीएस के शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। आधुनिक नए युग की शुरुआत करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। साथ साथ बच्चों ने डायनासोर के कई प्रजातियों का रूप देखा और चिल्ड्रन पार्क में लगे कई तरह झूला तथा खिलौने का आनंद लिया। पटना के विश्वविख्यात बिहार म्यूजियम का भी अवलोकन कराया गया जो कि लगभग 500 करोड़ की लागत से बनाया गया, जिसमें कई दार्शनिक तथा इतिहास की चीजों को दर्शाया गया, जिससे ऐसा लगा कि सचमुच का प्रकृति के द्वारा एक वरदान है। बिहार म्यूजियम के अलावा बच्चों को तारामंडल में मंगल ग्रह, चंद्रमा तथा कई ग्रहों के बारे में जानकारी दी गई। ऐसा लगा कि बच्चे सौर मंडल में चले गए हैं। विद्यालय के निदेशक अंकुर आनंद वर्मा तथा विद्यालय के चेयरमैन सचिदानंद वर्मा, प्राचार्य एवं कई शिक्षकों के साथ बच्चों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। सभी बच्चे काफी उत्साहित दिखे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रणाली इस तरह से दूर विद्यालय द्वारा कई बार कराए गए हैं, जिससे बच्चों को तथा शिक्षकों को नए अनुभव प्राप्त हो। इसके लिए भी निदेशक ने वाटर पार्क तथा चिड़ियाघर में ले जाकर बच्चों को मनोरंजन कराया है तथा अगला ट्रिप राजगीर का कराया जाएगा। इस पूरे एजुकेशनल ट्रिप में लगभग 50 विद्यार्थी एवं शिक्षक अंजू सिंह, सोनू प्रकाश, प्रिया सिंह, पवन गिरी, अन्य शिक्षक शामिल हुए। विद्यार्थियों में रोशन कुमार, सोनू कुमार, सुशांत कुमार, दिव्या कुमारी, सौम्य कुमारी, खुशी कुमारी, सृष्टि कुमारी, दृष्टि कुमारी एवं अभिभावक सुनीता देवी तथा कई विद्यार्थियों ने भाग लिया। Where are you going? Okay. चलिए बाहर चलो। All you go. आ रहा है फोटो। चलो बहुत सुंदर आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस। इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी वेरी रेड लाइटिंग स्टाइल ऑफ आवर भारत। भारत की ऊपरी सतह है ये, देख रहे हैं आप लोग। और नीचे जो है समुद्र दिखाया जा रहा है, पहाड़ दिखाया जा रहा है। ये है क्या, इसमें क्या लिखा है? विभाजन की विभीषिका। जब विभाजन हुआ था उस समय का यह सीन है, ठीक ना। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे कौन सरदार थे, कैसे थे, कैसे उनका पूरा जीवनी यहाँ पर फोटो के माध्यम से बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं।